पार्टी प्रवक्ताओं को पार्टी की नीति का उल्लंघन कभी नहीं करना, इसलिए वो प्रवक्ता बनाए जाते हैं। हमारी नीति नहीं है कि हम किसी समुदाय का अपमान करें, उस भूल के उनको जो दंड पार्टी के पास में देने का अधिकार है वो पार्टी ने दे दिया। मुस्लिम राष्ट्रों की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है, जिनने भी दी उसको भी विदेश मंत्रालय ने और हमारी सरकार ने ठीक से हैंडल कर लिया। इस चिंता का विषय ये था कि यूपी के चुनाव के समय से जो स्थितियां बनी उसमें प्रवक्ता अपनी मर्यादाएं भूलने लगे, झल्लाने लगे, कुछ भी बोलने लगे। नहीं तो पहले हंस देते थे आपस में बात करते समय, वो बंद हो गया। एक अजीब किस्म का तनाव आ गया आपसी संबंधों में, और हम ऐसे समय पर ये तनाव पैदा कर दिए हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी जिस तरह से देश को ले आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी भी देश में शायद नहीं हुआ। उनने जितने निर्णय लिए देश उनके साथ खड़ा रहा, आर्थिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, ट्रिपल तलाक का, 370 को हटाने का, GST का, डिमोनेटाइजेशन का। ऐसा कब हुआ है कि जिस तरह से अभिनंदन वर्धमान की वापसी हुई है सम्मानजनक तरीके से, चीन को जिस तरह से हैंडल किया, देश भी उठता जा रहा था, नेता देश को उठाता जा रहा था, देशवासी साथ दे रहे थे धर्म और जाति से ऊपर उठ करके। ऐसे समय पर हम कार्यकर्ताओं की ये भूल है कि हम ऐसी बातें बोल रहे हैं, और जिसका सीधे मोदी के ऊपर आक्षेप लग रहा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम आइंदा से इसमें पूरी सावधानी बरतें, और उत्तर प्रदेश में जो माहौल हमने बिगाड़ दिया, मैं बिल्कुल जिम्मेवार ठहराऊंगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। सब पार्टियों का जो बर्ताव था वो जहर उगलने वाला बर्ताव था, और उसको जितना जल्दी हो सके ठंडा करना पड़ेगा। ये जो बात आपने कही नूपुर की धमकी, ये हमारी संस्कृति को शोभा नहीं देता। हिंदू या मुसलमान किसी को भी के पाँव के जूते के नीचे किसी महिला की तस्वीर को रौंदा जाए, क्या इस्लामिक संस्कृति में ये जायज है? हिंदू संस्कृति तो आप छोड़ दीजिए। उसके सिर पे 1 करोड़ की धमकी, पार्टी तो उस पर कार्रवाई कर चुकी, उसको जान से मारने की धमकी, ये बहुत अशोभनीय है, और इसी बात से मैं चिंतित हुई। लेकिन मुझे पता है गृह मंत्रालय बिल्कुल ठीक कार्रवाई करेगा। आपने अपनी बातों में दो चीज़ का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव, और पहले आपने कहा कि जब कुछ बातें भी हो जाती थी प्रवक्ताओं के बीच में डिबेट के अंदर तो हंस देते थे, मुस्कुराते, लेकिन अब कटुता जैसी स्थिति आ रही जैसे जिसको लेकर आपने चिंता की, तो ये क्यों पैदा हुई और उसको मतलब किस तरीके से वो किया जाएगा? एक इनसिक्योरिटी और एक अनइजीनेस क्रिएट हुई है पूरे देश के पॉलिटिकल लोगों में, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि मोदी ने जो रास्ता पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें देश को फायदा हुआ, देश की जनता को फायदा हुआ, सब लोगों को फायदा हुआ। लेकिन जो दल तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो धराशायी हो गए। तो अब सबके अंदर सर्वाइवल का भय आ गया, और उसमें उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ उन्होंने बना दी, आपने देखा होगा जिस तरह से अखिलेश ने गाली गलौज किया, हमारे लोगों ने भी जवाब दिए। मैं तो सबको बराबर जिम्मेवार मानूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने खुद कुछ लोगों को नाम लिए हैं, कुछ लोगों के कि तुम बोल नहीं सकते अब, इसका मतलब वो बोल रहे थे, इसका मतलब हमारे यहाँ से भी आग में घी डाला जा रहा था। और ये बहुत अच्छा किया है साहब, भाजपा ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नाम लेकर के कुछ लोगों को कहा गया कि तुम बोलना नहीं। तो मुझे विश्वास है भगवान करे जल्दी शांति हो जाए, क्योंकि देश में अब विभाजन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देश में देश के अंदर विभाजन होने लग जाएगा, गली मोहल्लों में, मार्केटों में। उस विभाजन को अगर हमें रोकना है, सद्भाव को बनाए रखना है, तो BJP चूंकि रूलिंग पार्टी है तो हमारी जिम्मेवारी है देश के लिए, संगठन के नाते भी हमारी जिम्मेवारी है, और रूलिंग सत्तारूढ़ पार्टी के नाते भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसमें पहल करें। और मुस्लिम समुदाय से मैं अनुरोध करूंगी कि उसके पांव जूते के नीचे जो उसके तस्वीर को रौंदा गया, उसके ऊपर जो इनाम घोषित किया गया, वो इसकी निंदा करें, तो इससे आगे भी सामाजिक सामंजस्य बना रहेगा। आपको लगता है लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर भी है कि अंदर अंदर देश बटने की और टकराव की स्थिति बन रही है? ये बहुत ऊपर की सतह पर है, गहराई में नीचे जो मुसलमान पढ़ लिख गए हैं वो धर्म को मानते हैं लेकिन कट्टरपंथी नहीं हैं, और दूसरा वो ये भी समझ गए हैं कि मोदी जैसे नेता हमको सुरक्षित ही रखेंगे, क्योंकि बाकी देशों में तो इनका और बुरा हाल है, तो इस और मुसलमान यहीं के हैं, उनके अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे रहा। बहुत ऊपर की सतह पर है, लेकिन ऊपर की सतह की बात नीचे पहुंच जाती है, और जब एक बार वो जड़ जमा गई फिर उखाड़ना मुश्किल पड़ता है। उसके पहले ही कुछ मामलों में इसलिए कार्रवाई जैसे पार्टी ने कर दी अपनी तरफ से, प्रवक्ताओं को कह दिया कि चुप रहो, ठीक से बोलो, संयत भाषा बोलो, कुछ नेताओं को तो कह दिया बिल्कुल ही मत बोलो। इसी तरह से उसके भी जो तस्वीर मैंने जूतों से रौंदते हुए देखी ना, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध तहजीब जो हमारी है, सभ्यता जो हमारी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, उन सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। इसके साथ ही अलकायदा है, अलकायदा जैसे आतंकी संगठन है, ये लोग भी धमकी दे रहे हैं आतंकवादी ब्लास्ट करने की।
अलकायदा एक नाम है, उनके पास कुछ लोग हैं, ये सही है, लेकिन हम लोग अलकायदा से नहीं डरते, ना इस देश के लोग डरते। हमने बहुत आतंकवाद का सामना किया, हमने बहुत माओवाद का सामना किया है, हमने बहुत बलिदान दिए हैं आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हर पार्टी के दलों के नेताओं के। हमारे देश के दो दो प्रधानमंत्री मारे गए आतंकवादियों के हाथ से। हम सब लोग हमेशा खतरे की जद में रहते हैं, लेकिन इसके बाद में भी हम नहीं डरते। अलकायदा क्या चीज़ है हमारे लिए? कुछ नहीं। तो कोरी धमकी है, अब देखिए वो कोरी है कि कच्ची है तो वो बताएंगे, मैंने अपनी तरफ से बताया कि हम नहीं डरते उनसे। मुहिम कर रहे हैं, मुहिम चला रही हैं और लगातार आप एक के बाद एक बात आगाह भी कर रही हैं सरकार को भी और लोगों को भी कि शराब बंदी होनी चाहिए। तो क्या कुछ आगे के आपकी पार्टी की नीति पे चल रही हूँ, मैंने सबकी सहमति ली इस पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मिली हूँ, सबको, सबने कहा कि हम तो खुद चाहते हैं कि जागरूकता हो। शिवराज जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, वो अपने ढंग की जागरूकता कर रहे हैं, मैं अपने ढंग की। वो भाषण में पब्लिक को कहते हैं कि आप मत पियो तो मैं दुकानें बंद कर दूंगा। मैं दुकानों के सामने खड़े होकर कह रही हूँ कि भैया जो अहाते बने हैं तो तुम पी के जब बाहर निकलोगे तो कैसे निकलोगे? पैदल जाओगे कि घुटबटैया जाओगे? कैसे जाओगे? तुम वाहन में ही जाओगे ना, तो कितने वाहन पकड़े जा रहे हैं रोज़ भोपाल में? क्योंकि अहातों में तो शराब लगभग 2-3 हज़ार लोग पी रहे, तो कम से कम 1,000-2,000 वाहन रोज जब्त हो रहे होंगे। जरा यही देखने के लिए नाइट वॉच के लिए निकलती हूँ, आज फिर निकलूंगी, 2-3 अहाते देखूंगी, फिर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि भारत में शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है। तो अहातों में जो शराब पी के लोग निकल रहे हैं उनको सरकार गाड़ी दे रही है कि उनके घर के लोग लेने आ रहे हैं, या वो रात भर अहाते में ही बंद रहते हैं और सवेरे नशा उतर जाने के बाद बाहर निकलते हैं? ये मुझे थोड़ा समझना है, 2-3 दिन लगेंगे फिर आपको बुलाऊंगी। 6 महीने से ऊपर होगी आपकी इस मुहिम को शराबबंदी की बात करते हुए आपको, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ असर कर पाएगी और सरकार मानेगी? क्योंकि सरकार, आप बोले ऊपर के पार्टी के अध्यक्ष से मिल के आया, पार्टी अध्यक्ष से मिल के आया, उनके बड़े शिवराज से ही बैठे, शिवराज जी के साथ भी बैठे हैं जी, हम शिवराज जी के साथ बैठे, हम अभी पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठे थे और केंद्र में भी जगत जी के साथ में बैठे हैं। सबसे मैंने बात की है, उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी जरा 1-1.25 महीने आप थोड़ा धैर्य रख लो, तो मैंने धैर्य रख लिया था। और जैसे ही 1.25 महीना पूरा हुआ, 6 महीने नहीं 1.25 महीने की बात हुई थी अभी हमारी अप्रैल में, तो मैं कल निकल गई। फिर मैं तो ऐसे ही हाथों देखते हुए निकल रही हूँ, देखना है कि हाथों से निकले हुए लोगों पर कार्रवाई कैसे होती, मुझे ये देखना है। आगे की क्या रणनीति रहेगी शराबबंदी को लेकर? मत बताती हूँ, 2-4 दिन का मौका दे दो जरा मेरे को, जरा हाथों के परिक्रमा कर लेने दो जरा।